इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 6 बल्किंग फूड्स दिखाऊंगा जिससे आप साइज, स्ट्रेंथ और मसल ऐड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। यूजुअली जो स्किनी बंदे रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, रेस्टेड मोड पे हैं, जब भी वो कैलोरीज बर्न करते रहेंगे, मतलब उनको साइज़ और स्ट्रेंथ ऐड करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म यूजली बहुत फास्ट रहता है। तो अगर आपको साइज़ ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना होगा। समझो आप अगर दिन में 2500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आपको उससे कई ज़्यादा कैलोरीज खाने पड़ेंगे अगर आपको साइज़ और स्ट्रेंथ ऐड करना है। अगर आपको इजी कैलोरीज डालना है तो सबसे इजी तरीका है आपको अपने डाइट में शेक्स ऐड करने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरा ओट्स का मेगा शेक है जिससे मुझे यूजली 1000 से 1200 कैलोरीज मिल जाते हैं। और इससे यूजली अगर आपको खाने में दिक्कत होती है तो ये शेक से आपको इजीली 1000 के ऊपर कैलोरीज मिल जाएंगे। इसका बनाने का तरीका भी स्ट्रेट है, आपको बस 100 ग्राम ओट्स चाहिए, उसके साथ 2 होल बनानास, एंड उसके बाद डेट्स आप यूज़ कर सकते हो 50 से 60 ग्राम कोई भी डेट्स, उसके साथ आपको 200 ml दूध और 2 स्कूप वे प्रोटीन। अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है फिर भी चलेगा, अगर है तो 2 स्कूप वे प्रोटीन डाल दीजिए। और स्वीटनेस के लिए स्टीविया यूज़ कीजिए और पीनट बटर 2 टेबलस्पून डालिए। तो ये रहा पूरा सेटअप, ओट्स, बनाना, दूध, खजूर और वे प्रोटीन, फाइनली पीनट बटर। तो इससे आपको 1000 के ऊपर इजी कैलोरीज आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इजी तरीका है ये ऐड करने के लिए। तो जैसे आप ये कर दोगे पूरा, आप एक ग्राइंडर में लेके इसे मिक्स कर दीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए 1 या 2 मिनट, उसके बाद बेहतरीन शेक निकल के आएगा। आप ये सुबह ब्रेकफास्ट में पी सकते हो, इससे इजी कैलोरीज ऐड हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप स्किनी हो और ये शेक आप रोज़ एटलीस्ट 12 वीक्स के लिए यूज़ करोगे तो साइज इजीली ऐड होगा। मेरी सेकंड फेवरेट फूड है आलू। तो आलू इतनी बढ़िया है, सेशिएशन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा फिलिंग और सबसे कार्ब रिच फूड पोटैटो है। आप स्वीट पोटैटो भी खा सकते हो या सादा आलू, जैसे कि आप देख रहे हो आलू की सब्ज़ी जो घर में बनती है मैं वही खाता हूँ। इसे आप करीब 2 फुल बोल में खा सकते हो। आप स्वीट पोटैटो अगर आपको अच्छा लगता है वो भी खा सकते हो, बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आप रोटी के साथ रोज़ खा सकते हो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा खाइए, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। एक लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से जो नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया था, पोटैटो रोज़ खाने से मसल साइज, स्ट्रेंथ और हैवी वेट उठाने की क्षमता बहुत इंक्रीज़ हो रही थी और बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे और प्रोटीन सिंथेसिस भी एनहांस हो रहा था। इसका आइडियल टाइमिंग मेरे हिसाब से आप लोग वर्कआउट के बाद रख सकते हो। आप अगर हेवी वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के बाद आप आलू खा सकते हो, अगर चाहिए तो ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। अगला बेस्ट फूड मेरे हिसाब से केले। केले बहुत बेहतरीन चॉइस है अगर आप साइज़ ऐड करना चाह रहे हो। एक मीडियम साइज़ केले में आपको करीब 100 कैलोरीज मिलते हैं। दिन में अगर आप 3 या 4 केले खाओगे तो ईज़िली 400-450 कैलोरीज केले से आ जाएंगे, जो कि बहुत एक्सेलेंट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम मिल जाएगा आपको, और पोटेशियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा। स्पेशली अगर आप हेवी वेट्स उठा रहे हो तो आपको पोटेशियम की ज़रूरत है, और पोटेशियम आपको सबसे ज़्यादा केले से मिलता है। सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए एक बनाना आप 30 मिनट पहले खाइए, एक बनाना वर्कआउट के मिडल में खाइए, और एक बनाना इमीडिएटली वर्कआउट के बाद खाइए, और एक रात को सोने से पहले खाइए। इससे आपको सॉलिड रिजल्ट्स दिखेंगे। आप लोग बनाना मिल्क शेक भी बना सकते हो।
नंबर थ्री मेरे लिस्ट में है सीरियल्स। सीरियल से आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल सकते हैं एक शॉट में, और इसे आप ट्वीक भी कर सकते हैं। मैं यूजली मेरे सीरियल्स को बहुत टेस्टी बनाता हूँ। मैं इसमें मल्टीपल चीज़ें डालता हूँ, दूध, स्टीविया, फ्रूट म्यूसली और नॉन स्वीटेंड म्यूसली भी डालता हूँ, दोनों मिक्स करके डालता हूँ। और इसका क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हो, और बनाना इसमें भी आप लोग 2 से 3 बनाना डाल सकते हो अगर आपको कैलोरीज बढ़ाने हैं। तो पोशन आपको ज़्यादा करना है आपके गोल्स के हिसाब से। मेरे गोल के हिसाब से मेरी जो बोल रहती है यूजली अराउंड 400-500 कैलोरी तक रहती है, बट अगर आपको साइज़ ऐड करना है तो ये बहुत ईजी तरीका है, क्योंकि आप म्यूसली में बहुत सारे चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, खजूर, वो सब डाल के इसे एक कैलरी डेंस फूड बना के खा सकते हो, और बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। मतलब इतना टाइम नहीं लेगा डाइजेस्ट होने में, और बहुत कन्वीनियंट है, आप लोग कहीं पे भी बना सकते हो, बहुत इमीडिएट बना सकते हो। ट्राई कीजिए, मज़े लीजिए। फोर्थ बेस्ट फूड मेरे हिसाब से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट सबसे इजी तरीका है अगर आपको कैलोरीज बढ़ाने हैं। काजू से करीब 25 से 30 ग्राम काजू से आपको इजीली 200 कैलोरीज तक मिल जाएंगे, और खजूर से और एक 100-200 कैलोरीज मिल जाएंगे। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे कैलोरीज और ऐड ऑन हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल बेनिफिट्स है भाई लोग ड्राई फ्रूट्स में। ये डर्टी बल्किंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों नेचुरल फूड्स है और प्रोसेस्ड फूड्स नहीं है। और पता है मुझे डेट्स इतना ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है, स्पेशली एस्ट्रोडियोल और फ्लेवोनॉइड्स है जो कि आपके स्पर्म काउंट को बहुत इंक्रीज कर देता है, विच इज़ अमेजिंग। और भाई लोग मेरे फेवरेट कैशूज, क्योंकि कैशूज कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस में बहुत रिच है, और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एलिवेट करता है। दैट्स द रीज़न मुझे कैशूज बहुत पसंद है, और मैं हर वीडियो में रेकमेंड करता हूँ आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, क्योंकि ये आपकी स्किन, हेयर और ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखता है। वाइट राइस मेरा सबसे फेवरेट फूड है जो मैं यूजली ऐड करता हूँ बल्किंग के समय, क्योंकि वाइट राइस में बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मतलब ये आपका शुगर बहुत जल्दी स्पाइक कर देता है। यूजली बहुत बड़े एथलीट्स, वेट लिफ्टर्स वाइट राइस ज़्यादा खाते हैं, वो ब्राउन राइस नहीं खाते, क्योंकि ब्राउन राइस स्लो डाइजेस्टिंग है। वाइट राइस अगर आपको एक्सप्लोसिव लिफ्ट्स और हैवी वेट ट्रेनिंग करना है तो सबसे बेहतरीन सोर्स है, और यूजली बल्किंग के लिए वाइट राइस बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि हम इंडियंस वाइट राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं और वाइट राइस से बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं।